हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज देखो मैंने बनाई थी पनीर शिमला मिर्च की सब्जी मेरे स्टाइल से। कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और जो अपन खाते हैं ना शादी वादी में, उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनी है। कैसी बनी है मेरी रेसिपी है, मैं आपको दिखाती हूँ। पहले ये देखिए कितना ज़्यादा ही सॉफ्ट बना है, बहुत गर्म गर्म है, पकड़ते नहीं बन रहा है, फिर भी मैं दिखाती हूँ आपको काट के। ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है ना। तो चलो, अगर मेरी सब्ज़ी आपको देखने में मस्त लग रही है, अच्छी लग रही है, तो चलो पूरी रेसिपी देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने ले लिया है पनीर, अपने हिसाब से ले लीजिएगा पनीरों को। मैंने एक पाव के करीब ले लिया है और इसको ये मोटा साइज़ का काट रही हूँ। मोटा ही रखिएगा, नहीं तो ना सब्ज़ी में ये पूरा गल जाते हैं, ठीक है। तो मैंने सब काट लिया है अपने पनीरों को, मैंने एक कटोरे में निकाल लिया है। अब इसको हम करने वाले हैं मैरिनेट। तो अब क्या क्या चाहिए रहेगा, मैंने पनीर ले लिया है, अब डाल दिया है दही। दही की क्वांटिटी आप अपने पनीर के हिसाब से करिएगा। मैंने 2 चम्मच भर के ले लिया है, फ्रेश दही है। काला नमक डाल दिया है इसमें, काला नमक का स्वाद बहुत अच्छा आता है। ये मैंने इसमें डाला है शाही बिरयानी मसाला, आप ये ही डालिएगा, बहुत ही टेस्टी स्वाद आता है इससे। तो मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब डाल दिया है शाही बिरयानी मसाला, बता रही हूँ बहुत टेस्टी बनने वाला है। ये डाल दिया है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर कलर के लिए। ये डाल दिए है अदरक और लहसुन, क्वांटिटी आप देख लीजिए। इसको मैंने घिस लिया है, आप इसको घिस के डालिएगा, पीस के मत डालिएगा, बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा इससे। अब जाएगा इसमें धनिया जो हमने काट के रखी थी, फ्रेश धनिया, फ्रेश मिर्ची 5-6 ले लिए मैंने, इसको काट के डाल दिया है। इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, मैं इनको भी मैरिनेट करना पसंद करती हूँ, ताकि सारा जो फ्लेवर है वो मेरे जो पनीर है उसमें आ जाए। इसको बिल्कुल हल्के हाथों से मिलाइएगा, नहीं तो अभी टूट सकते हैं वो। देखिए कितने अच्छे तरीके से मैरिनेट हो गए हैं। इसको अब मैं रख दूँगी साइड में। 4 प्याज ले ली है हमें, क्वान्टिटी प्याज की इतनी रखनी है। पर उससे पहले जो ये ऊपर ऊपर के हिस्से होते हैं ना, मैंने उसको निकाल के ऐसे काट लिया है। बाकी बची हुई प्याज को मैं बाद में रेसिपी में यूज़ करने वाली हूँ। ये देखिए मैंने इतने निकाल के काट लिए हैं इस साइज़ के। अब मैंने ले लिए है 4 शिमला मिर्च, शिमला मिर्च को भी अच्छे से साफ़ कर लिया है, बीजे निकाल के अलग कर दिए हैं, और इनको भी मैंने इसी साइज़ का काट लिया है। देखिए अब मैंने सारी शिमला मिर्चों को ऐसे ही काट ले रही हूँ, बीजे निकाल दीजिएगा। चलो अब क्या करना है मुझे, आप देख लीजिए साइज़ दोनों का, प्याज और शिमला मिर्च का। अब मैं इसको ना मिला के से दिखा दे रही हूँ साइड में कितना क्वांटिटी है। अब इसको भूंजेंगे ना तो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको साइड पर रख देते हैं, गैस में तेल डाल देते हैं, तेल बहुत कम डालना, और इसको इतना गर्म करना, इतना गर्म करना कि धुआं आने लगे, ठीक है। बिल्कुल जो गरम गरम जो गैस होती है अपना ये कढ़ाई में, तब मैं डालूंगी। देखिए कितना धुआं निकल रहा है ना, 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है, बस हल्का सा निशान आ जाए हमें उसको इतना ही पकाना है। खोलते हुए हमें डालिएगा, ठीक है, इतना तेज़ होना चाहिए, तभी वो ना महक आती है, खुशबू आती है एक अच्छी सी। चलो अब मैंने ले ली कढ़ाई फिर से और ये डाल दिया है तेल। अब मेरा ना इंडक्शन ख़राब हो गया था इस टाइम पर, तो अब मैं गैस में आ जाती हूँ अपने, बहुत दुख हुआ था। चलो कोई बात नहीं, अब तेल अच्छे से मैंने गर्म कर दिया है। इसको हमने अपने प्याजों को बिल्कुल बारीक काट लिए है, बची हुई प्याज थी ना जो हमारी 4 प्याज को निकाली थी हमने, उससे बची हुई प्याजों को ऐसे बारीक काट लिया है। काट के ही स्वाद बहुत अच्छा आता है। इसको हम जो अपनी प्याजे हैं उसको मीडियम फ्लेम में अच्छे से भूनेंगे धीरे धीरे। अब मैंने फिर से ले लिया है अदरक लहसुन, इसको भी मैं फिर से घिस लूँगी, घिसने से बहुत अच्छा स्वाद आता है। देखिए हमारी प्याज भी कैरमलाइज हो गई है धीमे आंच में। अब मैंने डाल दिया है इसमें अदरक लहसुन, इसको भी मैं थोड़ा भूनने लूँगी। देखिए जैसे भूनता जा रहा है ना, ये हल्के आँच में भूनिएगा, स्वाद तभी निकल के आए। पता नहीं मैं इतने फंबल क्यों कर रही हूँ, पर कोई बात नहीं। चलो मैंने ले लिए हैं 2 टमाटर, अब मैंने इसको भी बारीक काट लिया है और इसको भी डाल के अच्छे से मैं धीमे आंच में भूंज लूँगी, ताकि पूरा स्वाद निकल आए। नमक डाल दूँगी थोड़ा सा, ताकि भूनने में आसानी हो। अब देखिए तेल छोड़ दिया है, अब जाएंगे मसाले हमारे। हल्दी डाल दी है 1/2 चम्मच के करीब, इसमें डाल दिया मैंने धनिया पाउडर 1 चम्मच, और डाल दिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए, ठीक है। चटपटा चाहिए तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने इसको अच्छे से मिला के थोड़ा और भून लूँगी 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो ये अपनी मिर्ची है वो अपना पूरा कलर इसमें छोड़ दे और तेल निकल आए, ठीक है। अब मैं बीच बीच में कभी फंबल कर देती हूँ तो कोई बात नहीं, दोबारा ऐड करने का मन नहीं करता है, तो आप संभाल लेना, ठीक है। चलो अब मैंने इसको भूंज लिया है। अब भूंजने के बाद अपने जो प्याज और शिमला मिर्च है वो डाल दे रही हूँ।
अब इसमें जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था अपना पनीर, वो इसमें डाल देंगे अच्छे से। अब हमें ना बिल्कुल हल्के हाथों से इसको हिलाना है, नहीं तो नहीं फिर से टूट सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो इसको हल्के हाथों से मैं मिलाती जाऊँगी, भूनती जाऊँगी। कितना भूनना है कि ये पूरा अपना तेल छोड़ दे। उससे पहले मैं डाल दूँगी इसमें काली मिर्च का पाउडर, इसी टाइम पर डालिएगा, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और मैं इसको अच्छे से भूनने दूंगी कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर तेल छोड़ते तक का, ठीक है। देखिए कितनी मस्त बनी है, खाने में बिल्कुल बहुत टेस्टी है। मिर्ची कच्ची भी डाली है हमने, पकी हुई भी डाली है, तो ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल के आता है। देखिए इसको आप ना रोटियों के साथ खाइएगा या फिर कुलचों के साथ खाइएगा, आपकी मर्ज़ी। तेल छूट चुका है, कितना अच्छा दिख रहा है सब्ज़ी हमारी। चलो मैं अपनी सब्जी को एंजॉय करती हूँ। उससे पहले जो भी न्यू व्यूअर्स आ रहे हैं गाइस, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अगर आपको कोई न्यू रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में बताओ। और मैं अपनी सब्जी को एंजॉय करती हूँ गर्मा गर्म। अब मैंने ये रक्षाबंधन में बनाया था, तो अब मैं इसको एंजॉय करूँगी और सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है। चलो मसालेदार पनीर शिमला मिर्च तैयार है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।